अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू दारी अरकम एफ बी एरिया कैंपस ऑनलाइन क्लासेस फॉर द सेशन 2021-22। सो क्लास सिक्स, दिस इज़ आवर मैथ्स क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोर अबाउट अलजब्रा। अलजब्रा का इंट्रोडक्शन और बेसिक डेफिनेशंस मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवा दी थी। पेज नंबर 188 पे आपका चैप्टर स्टार्ट होता है और आई होप वो डेफिनेशंस आपने अपनी नोटबुक में लिखी भी होंगी और उसको अच्छी तरह से लर्न भी किया होगा। एक उन डेफिनेशंस में से एक छोटा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि व्हाट इज़ अलजब्रा। मैंने आपको बताया था अलजब्रा, इन अलजब्रा लेटर्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज़, यानी लेटर्स कौन से होंगे आपके ए टू जी आपके अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल्स होंगे जो कि आपकी अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, वो वैल्यूज़ जो आपको पता नहीं है। टर्म्स, व्हाट आर टर्म्स? कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, लेटर्स और नंबर्स का जो कलेक्शन है वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका वो आपकी टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है। इनकी जो है वो दैट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू एंड कैन अपीयर सेपरेटली फ्रॉम वेरिएबल, जो होंगे वो आपके होंगे जब टर्म्स जो हैं वो उनकी फिक्स वैल्यूज़ हो जाएं और वेरिएबल से सेपरेटली लिखे जाएं तो आपके कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इंक्लूड टर्म्स एंड ऑपरेशनल सिंबल्स। ये सारी चीज़ें आपकी डेफिनेशंस में लिखी हुई हैं। डेफिनेशंस को ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर कंसिडर कर लीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर उस पर गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि इसमें जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वो मज़ीद क्लियर हो जाए। नाउ इक्वेशन, इक्वेशन इज़ मेड अप ऑफ टू एक्सप्रेशंस दैट आर इक्वल, यानी इक्वेशंस आपके फॉर एग्जांपल ये वाली जो आपकी इस तरह की जो आपकी लिखी हुई आएगी एक्सप्रेशन आएगा वो आपके इक्वेशन होंगे, यानी टू आपके जो है वो एक्सप्रेशंस पे इक्वेशन कंसिस्ट करेगी। एक तरफ ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है, एक तरफ ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है और दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आप 7 को 5 में प्लस करें तो भी आपका 12 आता है और ये 12 आपका लिखा है, तो दोनों तरफ की जो एक्सप्रेशंस हैं वो इक्वल हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन। नाउ आज हम मज़ीद कुछ अलजब्रा की चीज़ों को लर्न करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजब्रा, कि हम अलजब्रा में किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन? टू सिंप्लीफाई अलजब्रिक एक्सप्रेशन लाइक टर्म्स कैन बी कलेक्टेड टुगेदर, लाइक टर्म्स कंटेन द सेम वेरिएबल रेज टू द सेम पावर। लाइक टर्म की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई भी थी, लिखवाई भी थी, अगर नहीं याद आ रही हो तो काइंडली इसको ज़रूर पलट के एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि व्हाट आर लाइक टर्म्स। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन तो हम लाइक टर्म्स को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, और लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जिसमें वेरिएबल सेम होते हैं, उनकी पावर भी सेम होती है, ठीक है। सो सबसे पहले एडिशन का मैं आपको समझाती हूँ कि अलजब्रा में एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन फॉर एग्जांपल ये आपके क्या हैं, ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये अननोन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर तो इसकी वैल्यूज़ गिवन हैं, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ए की वैल्यू 2 है तो आप हर जगह पे क्या करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस और 2 लिखकर जो है वो इनको ऐड कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 ए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको ए की वैल्यू कोई असाइन नहीं की और खाली ये ए है, अगर ये हमारे पास ए अकेला यानी सेपरेटली लिखा होता है, कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 हम शो नहीं करते, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जब ए सिंगल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ए की वैल्यू है 1 को हम शो नहीं करते। इसी तरह मैंने आपको बताया भी था कि हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1, जो कि हम शो नहीं करते, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू 1 है, जब ये ए 3 टाइम्स यानी 1 3 टाइम प्लस होगा तो ये क्या बन गया, 3a बन गया। तो हम एडिशन अलजब्रा में ऐसे करते हैं कि अगर हमारे पास प्लस के साइन के साथ कोई भी वेरिएबल लिखा है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, और अगर उस वेरिएबल की वैल्यू हमें दी हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए की वैल्यू 2 है तो हम उस वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करके उसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी 3a प्लस 5 है। अब देखें, एक जगह ए आपको दिया है 3a है और एक जगह 5a है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो आपके लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स अगेन के जिनकी वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। इसको हमने हम इसको प्लस कर सकते हैं, ए और ए दोनों सेम हैं, दोनों की पावर भी जो है वो अगर कोई भी शो नहीं की हुई तो दैट मीन्स दोनों की पावर क्या है, 1 है। तो 3a और 5a को हमने प्लस कर लिया, 5 प्लस 3 क्या होगा, 8 होगा, और a लिख दिया, कितने a's हो गए हमारे पास, 8 a's हो गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है 4a प्लस a। एक जगह आपको a दिया है, यानी कि ये क्या है, 1a है, ठीक है ना, 1 हम शो नहीं करते, 1a है, और एक जगह है 4a,
तो 4a प्लस ए क्या बन जाएगा, 4 प्लस 1 5, और इनका वेरिएबल सेम है, ये लाइक टर्म्स हैं, तो हमने a लिख दिया। इन केस अगर यहाँ पे होता 4a प्लस ए स्क्वायर, तो इनकी पावर्स सेम नहीं है, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे पावर है 2, तो ये लाइक टर्म्स नहीं हैं। लाइक टर्म की एग्जांपल भी, डेफिनेशन भी मैंने लिखवाई है, और यहाँ भी लिखा है कंटेन द सेम वेरिएबल रेज टू द सेम पावर, ठीक है। तो अगर इस तरह लिखा है तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर पावर दोनों की सेम है तब आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारे अलजेब्रा में हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। जिस तरह हम एडिशन करते हैं, सेम वही क्राइटेरिया है सब्ट्रैक्शन का, कि आपकी जो है वो लाइक टर्म्स हो, पावर भी दोनों की सेम हो, तब आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब b है तो इसका मतलब क्या है, ये 1b है, ठीक है। b है तो इसका मतलब है ये 1b है। 4 में से आप 1 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 3, और b लाइक हैं, तो हमने b यहाँ लिख दिया कि 4b में से एक b हमने काट दिया, निकाल दिया, तो हमारे पास कितने रह गए, b 3b रह गए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कर दें b माइन, और हमारे पास कितने b हैं, 4 हैं, 2 3 4, इसमें से हमने एक b अगर कट कर दिया तो कितने b रह गए हमारे पास, 3b रह गए, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास 6b माइनस b, सेम क्राइटेरिया, 6b में से एक b निकाल दिया तो क्या रह गया, 5b रह गया, 5b माइनस 3b। अब यहाँ पे दोनों जगह हमारे पास नंबर्स हैं, बट बोथ आर लाइक टर्म्स, कैसे, क्योंकि दोनों के वेरिएबल भी सेम हैं और दोनों वेरिएबल्स की पावर भी सेम है, इसकी भी 1 है तो इसकी भी 1 है, ठीक है। तो ये 5 में से 3 माइनस करेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2b हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं अलजेब्रा की, व्हेन वी मल्टीप्लाइंग लाइक और अनलाइक टर्म्स द मल्टीप्लिकेशन सिंबल इज रिमूव्ड। जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं लाइक या फिर अनलाइक टर्म्स की, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सिंबल्स बीच में अलजेब्रा में हम ऐड नहीं करते, वो रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ आपस में, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, इस तरह ए बी, इसका मतलब है बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3a अगर मैंने लिखा तो इसको मैं शॉर्ट एंड कैसे करूँगी, कैन बी शॉर्ट एंड टू 3a, 3 मल्टीप्लाई टू a। अब a की जो भी वैल्यू होगी, a अगर इज इक्वल्स टू 2 है तो 3 टू ज़ा 6 हो गया, a इज इक्वल्स टू 4 है तो 3 4 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। y इंटू y इंटू y इंटू y, यानी ये y कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैंने शॉर्ट एंड कर दिया, y कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स। ये 4 क्या है, यहाँ मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, वॉट इज़ दिस 4, दिस इज़ एन इंडेक्स और पावर, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। इट शोज़ हाउ मैनी टाइम्स y इज़ मल्टीप्लाइंग बाय इट सेल्फ, ये हमें ये शो करता है कि y अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। इस वाई की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, ये मैं लिख सकती हूँ 6 raised to power 4, इसका क्या मतलब होगा, 6 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 हो रहा है अपने आप से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, दिस इज़ द पावर। और जब हम इसको शॉर्ट एंड करते हैं तो हम इसमें से मल्टीप्लाई का साइन रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, अच्छा इसमें एक और चीज़ याद रखने की है, रिमेंबर 4y इज़ नॉट सेम एज y रेज टू द पावर 4, ठीक है। ये भी 4y है, ये भी y रेज टू द पावर 4 है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है। 4y का मतलब क्या है, 4y का मतलब है y आपके पास 4 टाइम्स प्लस हो रहा है, जैसे हमने यहाँ एडिशन में किया था, ये देख लें 3a प्लस 5 है, ठीक है 3a। इसी तरह 4y का मतलब है 4 आपके पास, y आपके पास 4 टाइम्स प्लस हो रहा है, लेकिन अगर y की पावर 4 है तो इसका मतलब है y 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस डिफरेंस को ज़रूर याद रखिएगा। नाउ डिवीजन, डिवीजन हम कैसे करते हैं, डिवीजन को आप जब भी ऐसे लिखते हैं, कोई आपके पास नंबर हो, अगर आपने 2 डिवाइडेड बाय 4 लिखा है तो आप किस किस तरह उसको लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 4 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर 2 और 4, लेकिन अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं तो हम इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। a डिवाइडेड बाय b, व्हेन डिवाइडिंग लाइक टर्म्स वेरिएबल कैन बी रिमूव फ्रॉम द आंसर, जब हम डिवाइड करते हैं तो इसी तरह हमारे जैसे नंबर्स कैंसिल होते हैं, वेरिएबल भी कैंसिल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 15b upon 3b, तो अगर मैं इसको कट करूँगी 3 1 3 और 3 5 15, तो 5 आ गया और इस b से b भी कैंसिल हो गया,
ठीक है ना, लाइक टर्म्स हैं तो कैंसिल हो सकती हैं, बी से बी कैंसिल हो गया और ये खाली फाइव रह गया। इसी तरह थ्री थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व और बी से बी कैंसिल हो गया तो ये आपका खाली फोर रह गया। ये लेक्चर आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, क्योंकि आगे अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हम अलजेब्रा में एडिशन कैसे कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं और डिवीजन कैसे कर रहे हैं। और फोर वाई है तो क्या मतलब है, वाई की पावर फोर है तो इसका क्या मतलब है, इसको बहुत अच्छी तरह गो थ्रू कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़, अल्लाह हाफिज़।